हेलो एवरीवन आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन कीवर्ड्स इन जावा सो बेसिकली हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जावा में क्या करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करेंगे सो so हमारे कुछ ये कीवर्ड्स हैं ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोस सो हम वन बाय वन क्या करने वाले की वर्ड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं चलिए so स्टार्ट तो करते हैं भे ट्राई so की वर्ड सो ट्राई की की बात करेंगे तो ट्राई की इज यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड यानी कि जो हमारा ट्राई ब्लॉक है वो क्या करता है एक ब्लॉक स्पेसिफाई करता है और उस ब्लॉक के अंदर हम वो कोड रखते हैं जहां पर एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी होती है और ऐसा कोड जहां पर एक्सेप्शन रेज हो सकती है यानी पर भी एक्सेप्शन रेज हो सकती है उसको हम कहा रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट है ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय इधर कैच और फाइनली ब्लॉक यानी कि जो ट्राई ब्लॉक होगा उसके बाद कैच या तो कैच ब्लॉक होगा या फिर फाइनली ब्लॉक होगा दोनों में से एक ब्लॉक का होना जरूरी है और मस्ट है थर्ड पॉइंट इज वी कैन नॉट यूज ट्राइ ब्लॉक अलोन इसका मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक नहीं लिख सकते ब्लॉक के बाद कैच या फाइनली ब्लॉक का होना मैंडेटरी है थ्योरेटिकली अभी हमने जो भी डिस्कस करा उसको एक बार मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं तो बेसिकली क्या होगा ब्लॉक होगा और ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड होगा कोड दैट मे रेज एक्सेप्शन एक्सेप्शन यानी वो कोड जो कि एक्सेप्शन रेस कर सकता है और ट्राय ब्लॉक के बाद या तो आपका कैच ब्लॉक होगा यहां पर आपकी एक्सेप्शन हो जाएगी ठीक है या फिर अगर आपका कैच ब्लॉक होगा या फिर आपका क्या होगा फाइनली ब्लॉक होगा क्या होगा फाइनली ब्लॉक होगा यानी कि ट्राई के बाद कैच ब्लॉक हो सकता हो, हो सकता है या फिर फाइनली ब्लॉक हो सकता है दोनों में से कोई भी हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता कि ओनली ट्राई ब्लॉक हो तो ये अभी तक हमने अपने स्लाइड में समझा है तो चलिए आगे बात करते हैं चलिए तो अब बात करते हैं कैच तो ब्लॉक की तो देखिए ट्राई ब्लॉक ट्राई के बाद ट्राई के अंदर हमारा वो कोड होगा जो कि एक्सेप्शन रेज कर सकता है और उसके बाद आपका कैच ब्लॉक होगा कैच ब्लॉक में क्या होगा यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे उस क्लास का जो कि यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा ट्राई से वो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैच हो जाएगा नेक्स्ट है ट्राई के बाद ऐसा कि मैंने बताया ट्राई के बाद आता तो आपका फाइनली ब्लॉक हो सकता है या फिर कैच ब्लॉक हो सकता है तो वही चीज है यहाँ पर नेक्स्ट है कैच कीवर सो कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद इन दी पैरामीटर कहने का मतलब है जो आपका कैच ब्लॉक है वो क्या करेगा एक्सेप्शन को हैंडल करेगा यहाँ पर हम कैच ब्लॉक में क्या डिफाइन uh, करेंगे वो क्लास बता के चलेंगे जो भी एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होगा

तो यहाँ पर जो हम कैश ब्लॉक में एक्सेप्शन लिखेंगे वो क्या होना चाहिए यहाँ पर जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है वो सेम होना चाहिए या फिर उसका क्या हो पेरेंट हो क्या हो पेरेंट हो देखिए एक्सेप्शन एक्सेप्शन मस्ट बी द क्लास और जनरेटेड टाइप एक्सेप्शन सो इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाई ब्लॉक विच मीन वी कैन नॉट यूज कैश ब्लॉक अलोन जैसे कि हम ट्राई ब्लॉक को अलोन यूज नहीं कर सकते उसी तरीके से आप कैश ब्लॉक को भी अलोन यूज नहीं कर सकते

रखेंगे सो वी कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक्स विध ए सिंगल ट्राइ ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को क्या कर सकते, है? use कर सकते हैं नोट है, में ट्राई ब्लॉक ओनली यानी कि जो आपका कैच है ठीक है इसको हम क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक के बाद यूज करेंगे यानी कि आप ट्राई ब्लॉक ट्राई के बाद फाइनली ब्लॉक देन कैच ब्लॉक ऐसा नहीं कर सकते इसको हम ट्राई अपने कोड uh, में मैं इसको स्पेशली एम्फोसाइज करके आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी सो ट्राई ब्लॉक होगा ट्राई ब्लॉक के बाद क्या आएगा आपका कैश ब्लॉक आएगा देन ट्राई ब्लॉक देन कैश ब्लॉक देन फाइनली ब्लॉक ठीक है इस टाइप का ये ऑर्डर रहेगा आपका नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम फाइनली ब्लॉक की बात करेंगे इस वीडियो में हम ट्राई और कैश तक ही रखेंगे तो अभी मैं क्या करता हूँ Uh, इसका एक प्रोग्राम में भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ये सारी चीजें ओके okay, तो अभी जो भी चीज हमने डिस्कस की है ट्राई एंड कैच ब्लॉक को लेकर उसे हम यहाँ पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं uh, मैंने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है यहाँ पर ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और एक मेन मेथड भी बनाया हुआ है ठीक है तो अभी हमें बेसिकली करना क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करनी है यूजिंग ट्राई कैच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओके सो दिस इज लाइन वन ओके एंड यहाँ पर थ्री लाइंस ले लेता हूँ मैं क्या करता हूँ थ्री लाइंस ले लेता हूँ तो टेन डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या किया मैंने यहाँ पर टेन को डिवाइड किया किससे? ज़ीरो से तो चलिए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है सो so, हमें क्या करना है ओपन कंटेनिंग फोल्डर विद सी करना है और यहाँ पर Java C Demo Try Catch डॉट जावा यही करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए ओके okay, थोड़ा टाइम लग रहा है ओके okay, प्रोग्राम कंपाइल हो गया कोई भी एरर नहीं है सो so, अभी रन करते हैं जैसे ही मैंने रन किया जैसे ही मैंने रन किया तो हमारे प्रोग्राम में क्या आ गया है एक्सेप्शन आ गया है तो जो एक्सेप्शन है वो कहां पर कब आता है रन टाइम पर आता है आप इस चीज को ध्यान में रखकर चलेंगे और माइंड में सेट करके चलेंगे तो एक्सेप्शन क्या आ रहा है एक्सेप्शन एंड थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिविजन बाय जीरो ठीक है सो लाइन नंबर में एक्सेप्शन आ रहा है यहां पर दिखा रहा है कैच डॉट जावा लाइन नंबर सिक्स तो लाइन नंबर सिक्स हमारी है? क्या है ये वाली लाइन क्या है ये लाइन है सो हमने देखा जो एक्सेप्शन आता है वो कब आता है रन टाइम पर आता है ठीक है और एक्सेप्शन क्या आया है और आपने एक चीज नोट की होगी यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो लाइन वन जो मेरा फर्स्ट एसओपी है लाइन वन ये एग्जीक्यूट हुआ है ठीक है उसके बाद लाइन नंबर सिक्स में एक्सेप्शन आ गया है और उसके बाद का जो कोड है मेरा ये जो कोड है ये वाला कोड ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है यानी जो हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो था वो क्या हो गया है यहाँ पर डिसरप्ट हो गया है और वो हमारा फ्लो है वो हमें क्या करना है मेंटेन करके चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम क्या करेंगे ट्राई ओके तो वो कोड जो कि एक्सेप्शन रेज कर सकता है उसको हम कहां पर लिखते हैं ट्राई के अंदर यही अभी हमने पढ़ा था तो जो कोड एक्सेप्शन रेज कर रहा था उसको मैंने कहां पर लिख दिया ट्राई के अंदर और ट्राई के जस्ट बाद क्या आता है आपका कैच ब्लॉक आता आता है है ट्राई के जस्ट बाद क्या आपका कैच ब्लॉक आता है तो यहां पर हमने अभी जो पढ़ा था तो कैच ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं जो एक्सेप्शन आ रहा है उसकी पेरेंट क्लास लिखते हैं या फिर सेम क्लास लिखते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और जो भी एक्सेप्शन आ रहा है मैं उसको क्या कर दूंगा प्रिंट कर दूंगा ठीक है तो यहां से क्या होगा जो भी एक्सेप्शन आएगा वो हमारे मेरे कैच ब्लॉक में क्या हो जाएगा कैच हो जाएगा तो एक्सेप्शन कहाँ पर स्टोर हो जाएगा उस चीज को मैं फ्लो को बाद में समझाऊंगा तो मेरा जो एक्सेप्शन वो कहाँ पर कैच हो जाएगा इस ई रेफरेंस वेरिएबल में यानी कि जहां पर भी जो एक्सेप्शन आ रहा है वो एक्सेप्शन कहाँ पर स्टोर हो जाएगा एक तरीके से बोल सकता हूँ इस ई रेफरेंस वेरिएबल में तो मैं उसे यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा तो जो भी एक्सेप्शन है वो क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्ले हो जाएगा एंड जो प्रोग्राम है उसका नॉर्मल फ्लो मेंटेन हो जाएगा और उसके बाद का जो कोड है वो भी हमारा चल जाएगा तो चलिए इसको प्रोग्राम में देखते हैं

रेस कर रही थी तो यहाँ पर क्या हो गया मैंने का यूज करके उसे कर लिया है उसके बाद का जो कोड था हमारा number, इसको मैं पर कर देता हूँ कॉपी कर लिया था तो so, ये भी हमारा क्या हो गया एक्सिक्यूट हो गया तो so, ये हमने क्या किया है एक्सेप्शनिंग परफॉर्म किया है कैसे एक्सेप्शन स्टोर होता है कैसे आता है मैं वो सो so, इस वीडियो का मैं यहीं पे रैप करूंगा क्योंकि वीडियो वीडियो ज्यादा हो जाएगा जो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कैसे मल्टीपल कैशलॉग्स यूज करते हैं कैसे हम ट्राई के बाद जो जो फाइनल फाइनल ट्राई के बाद कैच और फाइनली का कॉम्बिनेशन है उस पर कैसे काम करते हैं वो सारी वीडियो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में हम इतना ही uh, देखने वाले हैं ठीक है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय